तो गाइस निकू तैयार हो चुका है स्कूल की यूनिफॉर्म में। ये देखिए, बस इसके जो है ना कैप नहीं मिली, क्योंकि कैप बहुत छोटे बच्चों की थी बहुत ज़्यादा, और आज लेबर डे है ना, तो उसकी वजह से जो है सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो कोई बात नहीं, कई बच्चे ऐसे ही मतलब कर लेते हैं, आ जाते हैं स्कूल में। मुझे ऐसा निकू ने बोला कि मम्मी चल जाएगा। चलो सावधान। अरे क्या बोला है मैंने? सावधान। विश्राम। कैसे करते हैं? एक एक पैर बाहर निकाल के, एक पैर साइड करके, हाँ तो लाइए, कह रहे सावधान विश्राम, कह रहे विश्वनाथ यहाँ तो आ। अब वो करो, जय हिंद जय हिंद, ढंग से कर। अरे थंबनेल निकालूंगी ना, थंबनेल। तो चलिए सब बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से डायलॉग तो बता दे अब, तो बता दे। अरे डायलॉग तो बता दे अब, आने के बाद बताएगा। ठीक है, चलो बाय कर दो गाइस को। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना चौधरी व्लॉग्स, में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और अभी नहाई हूँ और घर का सारा काम भी कर चुकी हूँ। लेकिन आज जो काम है ना, मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, मैंने कहा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ याद आता रहता है। तो आज मैंने जल्दी काम किया ना, तो जल्दी काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को काफ़ी टाइम बचा, और मैंने सोचा कि आज ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ। तो आज जो है ना, मैंने अपना जो किचन का जो गैस चूल्हा होता है ना, उसको क्लीन किया है बहुत अच्छे से, और जैक से मिलवाती हूँ आपको। जैक सोया हुआ है। जग गया मेरा बच्चा, ये जुब्बू का पूछी देखो, इसकी पूछी देखो। ओए ओए ओए, जगह चेंज। अरे वाह, आप चोरी कर रहे हो हैं जैक? हाय तो बोल दो, सबको हाय तो बोल दो जैक। ओ जैक को मामा हाय बोल दो, हाय बोल दो। चलो, ये सोता ही रहता है, क्योंकि ये ना रात में भूतों की तरह नाचता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रात में ऐसे घूमता है सारे घर में कि कभी कभार उठ के जैसे टॉयलेट वगैरह भी जाओ ना, तो डर लगता है कि मतलब कौन गया अपने पास से, और होता ये है। तो अब तो दिन में जैसी बात है, अब तो ये सोएगा ही, तो इसको सोने देती हूँ मैं, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, सॉरी मैं ज़्यादा इसको परेशान नहीं करूँगी। जब ये उठ जाएगा ना, जब आपसे मिलवाऊँगे अच्छे से, क्योंकि ये बच्चे आ जाते हैं ना जब ये खेलता है आराम से, तो अभी फ़िलहाल बच्चों का टाइम नहीं हुआ है, तो जब बच्चे आ जाएंगे बच्चों से भी मिलवाऊँगी, जैक भी इतना उठ जाएगा, फिर आपसे मिलवाती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेके स्कूल से, और जैक भी उठ चुका है। तो इनकी तो शुरू हो गई बदमाशियाँ दोनों की, तीनों की। तो कुक्कू तो चलिए वॉशरूम में है, और ये देखिए इनका क्या हाल है, ये देखिए। हाँ जैक, क्या बदतमीजी है तेरी, क्या है? ओए गंदे, ओ चाट गया सारा, चाट गया। अच्छा तेरा मन नहीं लगता भैया के बिना? अच्छा निकू, तू इसके ऊपर चढ़ जा, ये तेरे ऊपर चढ़ जाए ना, तू चढ़ जा इसके ऊपर। ओ महेंद्र बाहुबली जय, पता चल रहा गर्दन भी कर दिया, वो देखो पड़ गया जाके, पता नहीं क्या खा जा रहा है वहाँ पे। चलो खेलते रहो, मैं जा रही हूँ, गैस जल रहा है, मैं बनाने जा रही हूँ चीले। चीले बन रहे हैं।
छत के ऊपर मैं धो रही हूँ कपड़े, मैंने लगाई हुई है मशीन, तो आधे कपड़े मेरे धुल गए हैं, आधे रहते हैं। इनके पापा अभी आए नहीं हैं, आज पानी आया था तो मैंने कहा फटाफट मशीन लगा लेती हूँ। तो पहले वाइट कपड़े धो दिए और बच्चों के स्कूल की ड्रेस धो दी हैं, और इस बेड की जो फोल्डिंग है इसको मैंने धूप लगाने के लिए यहाँ पे रखा था ताकि धूप अच्छे से लग जाए। और ये बच्चों वाले कपड़े धुल चुके हैं, अभी ड्रायर में से निकाले हैं, अभी नीचे लेके जाऊँगी धोने के लिए। कुछ कपड़े अभी मेरे धुल रहे हैं और मेरे जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो यहाँ सुखा दिए हैं, बस टॉवल और इनकी जीन्स रहती हैं, बाकी सारा कुछ मैं कर चुकी हूँ। और ये बाथरूम है, इसमें मैंने फिनॉइल डाला है, और ये रूम क्लीन करा है सारा, इस रूम में जहाँ हम सोते हैं। तो ये आपको देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये हमारे लिए इनफ है। तो ये जो आप एक सेकेंड, तो ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये बिस्तर, इनको मैंने धूप लगा के और अभी तय लगा के रखा है। तो ये इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट्स हैं, ये इतने मोटे ब्लैंकेट्स हैं, इसको ओढ़ने के बाद भी इतनी ठंड लगती है। आप सोच सकते हैं कि इतनी ठंड लगती है, इतना मतलब बहुत अच्छी हवा देता है हमारा कूलर, फिर भी मैं सोचती रहती हूँ कि नहीं एसी लग जाना चाहिए, क्योंकि कोई आता है तो उनके लिए एसी होना चाहिए, क्योंकि कूलर में तो हम सो जाते हैं, तो कोई आता है ना गर्मियों के दिनों में परेशानी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने कुछ बड़ा और नया सोचा है तो वो जल्द आपको पता चलेगा, भगवान ने चाहा, मेरे भोलेनाथ जी ने चाहा तो ज़रूर होगा। तो इस कूलर को ना मतलब इस ब्लैंकेट्स को मतलब मैं रात को सोती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों, जब मेरे को ठंड लगनी शुरू हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कि क्यों मैं सॉक्स पहन के नहीं सोई, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने स्वेटर नहीं मतलब सॉक्स नहीं डाले, क्योंकि ठंड हमेशा पैरों से चढ़ती है तो इतनी ठंड लग जाती है कि मतलब ऐसा लगता है क्यों मैं नेक्स्ट टाइम से ना सॉक्स पहन के सोऊंगी, मैं नेक्स्ट टाइम से सॉक्स पहन के सोऊंगी, और दो तीन दिन से यही हो रहा है और रोज़ भूल जाती हूँ। तो आज मैं ना इससे भी मोटा ब्लैंकेट ओढ़ के सोऊंगी, या फिर इनको बोलूँगी थोड़ी देर कूलर चलाओ और आप पंखा चला दो, बस वो तो गया, ठंड लगती है बहुत ज़्यादा और जल्दी उठना होता है तो फिर नींद भी पूरी नहीं होती है। तो चलिए अभी मेरे कपड़े धुलने वाले हैं, फिर जाऊंगी नीचे, जैक सोया हुआ है खाना वाना खा के, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और बच्चों को भी दिखा देती हूँ अभी। बच्चे बच्चे मेरे बच्चे कित गए मेरे बच्चे, अरे कुकु निकू कहाँ गए, कुकु पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी मेरे से बाल मतलब सुतवा के गई है, कि बालों में मैंने उसको ऑयलिंग करी है और अभी गई है वो बाहर, लेकिन पता नहीं कहाँ खेलने चले गए हैं। तो अभी मिल जाएगी तो दिखाती हूँ आपको, बाकी मैं फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, मेरे को प्यास भी लग रही है बहुत तेज। तो फाइनली मेरे कपड़े जो है धुल चुके हैं और बहुत पसीने आ गए, बहुत गर्मी हो रही है, मतलब आज थोड़ी सी हवा चल रही थी लेकिन इस टाइम जो है ना मैं कपड़े उतार के आई, कपड़े धो के आई हूँ तो गर्मी हो गई है। और मैं ना मतलब मॉर्निंग में इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि बहुत धूप हो जाती है और मॉर्निंग में बहुत से काम होते हैं जो मैं उसको स्किप नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं 4 बजे के बाद ही मशीन लगाती हूँ गर्मियों में, सर्दियों में तो जल्दी धो लेती हूँ तो धुल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कपड़े धुल चुके हैं, खाने की तैयारी करूँगी, तो खाना बनाएंगे अभी, और जैक भी बेचारा घूम रहा है मेरे साथ साथ, अभी उसके पापा आ गए हैं तो पापा के साथ बैठा है। ओरा ये रहा जैक। हाँ तो अब मैं सोच रही हूँ करने को कुछ है नहीं तो क्यों ना जो कपड़े हैं बच्चों के स्कूल के जो धोए हैं वो सूख चुके हैं तो क्यों ना प्रेस कर लिए जाएं, और इनके ऑफिस के भी तो वो कर लेती हूँ थोड़े से, फिर टाइम तो पास करना ही है, बाहर बैठ के भी क्या ही करना है। तो चलिए मैं पहले खाना वगैरह भी नहीं खाया है तो पहले कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और जैक मेरा पीछा नहीं छोड़ता भाई, जैक मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, जैक ओए ये ले, क्या खुशबू आ गई तुझे, जैक क्या हो गया बेटा, यहीं बैठेगा, यहीं बैठेगा जहाँ मैं आऊंगी, यहीं बैठेगा ये गंदा, हाँ यहीं बैठी हुई यहीं बिल्कुल ठेठ, क्योंकि मैं बैठी हूँ ना मुझे काम करना है यहाँ, तो ये यहीं बैठेगा,
तो चलिए कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। जय कहाँ भाग रहा है? बस अब सोएंगे। अता पापा का टावल हटा, देख धो रखा है मैंने। देख गंदा हो गया फिर से, आज फिर गाड़ी के नीचे गया था ये गंदा। कुत्ते बैठा रहे हैं। कहाँ है? फोन पकड़ता है फोन। चलो 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 सोएंगे। चलो अच्छा लग रहा है ना यहीं लेट के? मुझे तो अच्छा लग रहा है आज छत पे बैठ के। उसको मत खोलो, उसको मत खोलो। चलो यहीं लेटो के अंदर। कौन लगती है ना मम्मी का ये? तेरे क्या हो रहा है? हैं? अरे ये तो मेरा मैं तक भूल गई। वो ये क्या? तो तैयो? तो गाइस अब हो चुकी है रात, अब हम लोग सोएंगे। खाना वाना हो गया है, बच्चे भी कल स्कूल जाएंगे। और आज जो है निकू पुलिसमैन बना था। कितना खुश हो रहा है। तो अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।